ये है ई गेट का न्यू i9 प्रो स्मार्ट प्रोजेक्टर। इसमें एक HDMI, एक USB, एक AV पोर्ट है और एक स्पीकर वगैरह के लिए हेडफोन जैक है। फोकस के लिए ऊपर बटन दिए हुए हैं और इसमें कोई डिजिटल बटन नहीं है। इसका आज रिव्यू करेंगे। इसमें ये हवा फैन चलता है, हवा निकलने के लिए एक साइड दे रखा है। प्लीज़ भाई सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। इसमें आपका भी कुछ नहीं जाता और मेरे को भी कुछ नहीं जाता, क्योंकि मेरे इतने सब्सक्राइबर और फर्स्ट टाइम वगैरह है नहीं है। बस वीडियो बनाया तो मेहनत वसूल हो जाएगी आप सब्सक्राइब करोगे तो। और रिमोट बिगड़ गया, ये एडिटिंग करते टाइम पता नहीं अब काम करेगा नहीं करेगा। ये मैंने प्रोजेक्टर को चालू कर दिया है और ये थोड़ा बगल की दीवार पर जा रहा है, थोड़ा इसको फिक्स कर रहा हूँ। ये लोडिंग ले रहा है। ये लाइट जो 1-2 वाट का बल्ब होता है कुछ वही जलाया, ज़्यादा लाइट नहीं है। ये इसका होम पेज है। मैंने 2 बार रिकॉर्डिंग की थी तो ये इस बारे में थोड़ी साफ रिकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि कैमरा पे माटी छाई हुई थी। फोकस एडजस्ट कर लेते हैं, जैसे कुछ धुंधला दिख रहा हो तो। इसके बाद इंटरनेट कनेक्शन करने के लिए सेटिंग में जाके नेटवर्क सेटिंग में मोबाइल के हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर सकते हैं। ये कुछ वीडियो क्वालिटी देख सकते हो। ये 720p नेटेबल है, 1080 सपोर्ट करता है। तो मैंने वीडियो 1080 पे चलाए तो 1080 क्वालिटी भी अच्छी दिखती है सामने। प्राइस के हिसाब से बहुत शानदार क्वालिटी है इसकी। अंडर 5K में आता है नॉर्मली, कभी 6-7-8-9 हज़ार भी होती है प्राइस। और इसमें कौन कौन से ऐप सपोर्ट करते हैं मैं वो आपको बताऊंगा। फाइल मैनेजर है, क्रोम क्रोम इसमें वर्क करता है अच्छे से। अरे ये मेरा कास्ट वगैरह मैंने ट्राई नहीं किया, क्योंकि वाईफाई तो मेरे पास है नहीं है कोई। यूट्यूब अच्छे से वर्क करता है। नेटफ्लिक्स का मेरे पास सब्सक्रिप्शन नहीं है, मैंने लॉग इन करके देखा था लेकिन वो पेमेंट अमाउंट सब्सक्रिप्शन लेने की बोल रहा था, लेकिन ये खुल रहा है तो मतलब ये चलता है। तो मैंने वो ईमेल वगैरह तो लगा दी, अगर किसी को देखना है कंफर्म चलता है कि नहीं तो वो सब्सक्रिप्शन भेज देना, मैं चेक करके वीडियो बना के भेज दूँगा। इसमें ऐप स्टोर है तो ऐप स्टोर में ऐप है जैसे हॉटस्टार वगैरह, यूट्यूब, ऐसे कोई कैटेगरी भी दे रखी है अलग अलग ऐप की, पर ऐसे कोई ऐप नहीं है जैसे कोई प्रॉपर ही हो। 2-4 ऐप काम गया और तो कुछ ज़्यादा काम का मेरे को उसमें लगा ही, और मैंने प्रॉपर देखा भी नहीं पूरा। इसे स्पोर्ट्स कैटेगरी है, इसमें ये दे रखे कौन कौन से ऐप हैं। और भाइयों इसमें हॉटस्टार मैं करता हूँ अपडेट मांगता है, अपडेट करते हैं तो अपडेट डाउनलोड होता है, लेकिन इंस्टॉल भी करते तो इंस्टॉल नहीं होता वो, तो हॉटस्टार इसमें बंद नहीं करता, आप ध्यान रखना। प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर पर भी है काम के, जैसे GSM वगैरह है। ये प्रॉपर मोबाइल के सब प्ले स्टोर नहीं है, आप सोच रहे हो मोबाइल में जो है वो सब पाते हो ना, पर इसमें प्ले स्टोर भी है। तो जियो सिनेमा इसमें आता है, इंस्टॉल भी कर सकते हैं। जियो सिनेमा इसमें वर्क करता है लाइव भी, इसमें जियो सिनेमा लाइव अगर कुछ मैच वगैरह आ रहा हो तो चला सकते हैं इस पर। जियो सिनेमा इस पर अच्छा खासा वर्क करता है। इंटरनेट मोबाइल से कनेक्ट किया हुआ है और टाइम भी शाम का टाइम मैंने रिकॉर्डिंग किया था तो कॉल स्पीड थोड़ा कम ही है। ये पेरिस में ओलंपिक चल रहा है, उसका चल रहा है लाइव। एडिटिंग के टाइम रिमोट बिगड़ गया, इसका पता नहीं वर्क कर रहा है नहीं, नहीं ऐसा नहीं हो गया खराब। ये देखिए प्रॉपर वीडियो देखता है इसमें।
इसके अलावा देखते हैं और कौन सा ऐप इसमें वर्क करता है, जैसे हमें तो प्रॉपर वर्क करना है और इसमें क्वालिटी भी है, दो तीन हाई लो ऐसे कुछ। ये प्राइम वीडियो का ऐप है, जैसे नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन चाहिए, ऐसे प्राइम वीडियो का भी चाहिए, पर प्राइम वीडियो इसमें चलता है, जैसे होम पेज पे आ रहा है तो नहीं, सब्सक्रिप्शन मेरे पास है नहीं कि कुछ चलाओ। इसमें ज़्यादातर सब फ्री में कुछ नहीं है, इसमें ज़्यादातर सब होते नहीं है, लेकिन ये मैंने देखा है इसमें प्राइम वीडियो वर्क करता है। इसका प्राइम वीडियो नेटफ्लिक्स जी फाइव वगैरह का, अगर किसी को देखना है कि प्रॉपर वीडियो चला के, तो सब्सक्रिप्शन दे देना, मैं लॉग इन करके चला के आपको वीडियो भेजूँगा या बता दूँगा आपको। इसमें आ रहा है सब सब कुछ आ रहा है, मतलब इसमें चलता है, अगर ये नहीं चलता तो अपडेट वगैरह मांगता पहले, और वो प्रॉब्लम आती। और ये तो मैंने बीच बीच में जैसे दो बार रिकॉर्ड की थी, तो वो बीच बीच में मैंने ऐसे ही डाल रखा है, वो एडिट सॉफ्टवेयर या होम पेज पर आने का। इसमें सोनी लिप चलता है, सोनी लिप मैंने देखा चला के, जियो सिनेमा चलता है, प्राइम नेटफ्लिक्स की फाइव का सब्सक्रिप्शन नहीं है पर वो खुलता है तो मतलब वो चलता है। ये एम एक्स प्लेयर वगैरह मैंने डाउनलोड किया है, क्योंकि यूएसबी से चलाते हैं तो किसी किसी में यूएसबी से चलाते हैं तो आवाज़ नहीं आती इसके इनबिल्ट प्लेयर में, तो एम एक्स प्लेयर मैंने इसके ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से डाउनलोड किया था, तो इसमें जैसे कोई कोई फॉर्मेट वहाँ सपोर्ट नहीं करता, नॉर्मल प्लेयर में तो इसमें सपोर्ट कर जाता है। बात सुनिए, माउस का बटन भी है, जैसे माउस का कर्सर आ जाता है, सिर्फ माउस पर करता है, यूएसबी माउस लगा के काम करें। और इसमें माउस वाला कर्सर लगाने के लिए इसमें क्वालिटी चेक करते हैं, मोबाइल में क्वालिटी करनी अच्छी दिखती है, लेकिन मेरा मोबाइल पुराना है, कैमरा अंदर तो क्वालिटी दिखेगी, लेकिन अच्छा फोन होता तो क्वालिटी जैसी दिख रही है ऐसी है ये, क्योंकि मेरा मोबाइल ऐसा कोई कैमरा ऐसा नहीं है, पुराना मोबाइल है तो जैसा दिख रहा है वैसा एक्चुअल में दिखेगा आपको। और इसमें यार काफ़ी मेहनत लगती है, इसमें ये 8 मिनट का वीडियो लग रहा है, लेकिन ये इसको कम से कम आधे घंटे घंटे तक रिकॉर्डिंग करके और एडिट वगैरह करके ऐसे डाला है। शेयर करना है सर, लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर वगैरह कुछ करना है कर देना यार, मैं तो लाइक कर ही देना, देख लिया तो सब्सक्राइब ही कर लेना, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट कर देना, पूछ लेना, बताना, आप बना देंगे और वीडियो कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।